हेलो, मेरा नाम है केतन और एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ हाजिर है बीते हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स लेकर। 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली और उसमें हुए बवाल के बाद अफवाहों, गलत जानकारियों का अंबार लग गया। ऐसे में ऑल्ट न्यूज़ भी लगातार इन सभी की सच्चाई आपके सामने रखने के लिए लगातार काम कर रहा था। ये सभी फैक्ट चेक्स आप तफसील से हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए आपको जाना होगा altnews.in/hindi पर। हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप वीडियो रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं पहले फैक्ट चेक की ओर, जो कि जुड़ा है कुछ फर्जी पत्रकारों और उनकी मनगढ़ंत कहानी से। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान कथित तौर पर एक घटना घटी। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह घटना कई ट्विटर और फेसबुक यूजर्स के साथ एक साथ घटी। घटना के बारे में लगभग सभी यूजर्स एक ही बात कह रहे थे। इस कथित घटना की जानकारी देने वालों में @neha की न्यूज हैंडल भी शामिल है, जिसने अपने बायो में खुद को ABP न्यूज और जी न्यूज का पूर्व कर्मचारी बताया है। इसी तरह पूजा पांडे _ ने भी यही बातें इसी तरह से लिखते हुए ट्वीट किया। इनके बायो में भी यही लिखा है कि ये पत्रकार हैं। इन दोनों के ट्वीट्स को हजारों में रीट्वीट्स मिले। ऑल्ट न्यूज़ ने ट्विटर पर जब एडवांस सर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये बातें ट्वीट करने वाला सबसे पहला हैंडल था @neha_ki_news। रात के 8:11:42 से पहले इसे किसी और ने ट्वीट नहीं किया था। जब हमने इस हैंडल के बारे में चीजें ढूंढी तो मालूम पड़ा कि इसने कई बार अपना हैंडल नेम बदला है। ये अकाउंट इन तीन हैंडल नेम से चला है, @IAS Urmila, @news4india_ और @neha_joshi_news। हमें इसी प्रोफाइल का एक आर्काइव लिंक भी मिला। उसमें दिखा कि इसकी प्रोफाइल पिक्चर कुछ और है। जब इस प्रोफाइल पिक्चर का हमने रिवर्स इमेज सर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये पाकिस्तान की पत्रकार कुरत-उल-ऐन-इकरार की तस्वीर थी। इकरार ने ट्विटर पर बताया है कि ये अकाउंट फेक है। इस ट्वीट को @neha_ki_news के बाद ट्वीट किया @pooja_pande_ नाम के हैंडल ने। ये ट्वीट रात 8:50:24 पर ट्वीट किया गया। इसके बाद कॉपी पेस्ट के सदाबहार रिवाज को कायम करते हुए इसे कई अकाउंट्स ने ट्वीट किया। अब बारी फैक्ट चेक नंबर 2 की। ये फैक्ट चेक है कृषि बिल से ही जुड़ा हुआ और इसके केंद्र में है भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 18 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, तीनों फार्म बिल का लाभ गिनाते हुए सर जी। आप संबित पात्रा का शेयर किया हुआ ये वीडियो देख लीजिए। आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका MSP नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। एक और वेरीफाइड हैंडल @सूत्रधार ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए यही दावा किया कि अरविंद केजरीवाल किसान बिल के समर्थन में। DD न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने बीजेपी कार्यकर्ता विकास प्रीतम सिंह का ट्वीट रीट्वीट किया। विकास ने भी यही दावा करते हुए ठीक यही वीडियो ट्वीट किया था। ये वीडियो असल में एडिट किया गया है। असली वीडियो में अरविंद केजरीवाल किसान बिल के विरोध में बोलते हुए सुने जा सकते हैं। ZPHH यानी जी पंजाबी हरियाणा हिमाचल के यूट्यूब चैनल ने यह पूरा वीडियो 15 जनवरी 2021 को अपलोड किया था। इस इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल चैनल के एडिटर दिलीप तिवारी और उनके सहयोगी जगदीप संधु से बात कर रहे थे। अब आप असली वीडियो और अरविंद केजरीवाल की असली बात सुन लीजिए। मैंने इन सबके भाषण सुने हैं। उन भाषणों में क्या कहते हैं? ये भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो थी जमीन तो थी। आपका MSP नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। जब बहुत ज्यादा कुरेदो तो कहते हैं फायदे के नाम पे कहते हैं। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। यानी एक इंटरव्यू से छोटे छोटे हिस्से लेकर एक 18 सेकंड की क्लिप तैयार की गई ताकि ये दिखाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल फार्म बिल्स के समर्थन में बोल रहे हैं। इस क्लिप को संबित पात्रा समेत कई लोगों ने शेयर किया। ट्विटर ने तो संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग भी लगा दिया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट चेक की तरफ, जो एक बार फिर किसान प्रदर्शनों से ही जुड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर 29 जनवरी 2020 को लोगों का एक बड़ा समूह आ गया और हिंसा करने लगा। ये भीड़ पुलिस बैरिकेड तोड़कर किसानों पर पथराव करने लगी। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें ये लोग किसानों के टेंट्स में तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं और जगह खाली करने की मांग भी कर रहे हैं।
भीड़ का दावा था कि ये प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं हैं और उन्होंने गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान किया था। भीड़ बार बार कहती रही कि प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा हटाकर सिख ध्वज फहराया था, जबकि इस पर पहले ही कई फैक्ट चेक रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं कि ये दावा सही नहीं है। इस सब के दौरान कई मीडिया आउटलेट्स ने किसानों पर हमला करने वाली इस भीड़ को स्थानीय लोग ही बताया। ANI ने बताया कि इस भीड़ ने खुद के स्थानीय लोग होने का दावा किया था। जी न्यूज ने इस हिंसक भीड़ को स्थानीय लोग बताते हुए रिपोर्टिंग की। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में सिंघू बॉर्डर पर तिरंगा थामे लोगों का एक समूह दिखता है। रिपोर्टर कहती है कि ये स्थानीय लोग हैं जो पहले किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में हुई घटना के बाद वो इस प्रदर्शन के विरोध में हैं। इस भीड़ में हरे, नीले और सफेद रंग का एक स्वेटर पहने तिरंगा लिए एक शख्स दिखाई देता है। ये शख्स इस भीड़ में सबसे आगे पुलिस के पास खड़ा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी पहचान अमन डबास के तौर पर की। अब बात यह आई कि अमन डबास कौन है, तो अमन खुद को उत्तर पश्चिमी दिल्ली का समाज सेवी बताता है। उसके काम से जुड़ा हुआ फेसबुक पेज है अमन कुमार सोशल वर्कर। अमन कुमार की पत्नी अंजू कुमार उर्फ अंजू देवी वार्ड नंबर 31 की निगम पार्षद हैं। अमन को भाजपा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बैठकों में भी देखा गया है। अमन और अंजू देवी पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े होते थे, 2017 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अमन ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। हमने अमन की पत्नी अंजू कुमार के बारे में पता लगाया तो माय नेता वेबसाइट पर मालूम पड़ा कि वो पूठ खुर्द की रहने वाली है। ये जगह सिंघू बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये उठता है कि सिंघू बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर की एक जगह को सिंघू बॉर्डर से सटा हुआ आखिर माना जाए तो कैसे, और वहां के लोगों को स्थानीय किस मुंह से कहा जाए। अमन डबास के अलावा एक शख्स और है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, ये है कृष्ण डबास। इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था लेकिन फिर उसे डिलीट कर दिया। स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्ट में कृष्ण ने न्यूज नेशन के ब्रॉडकास्ट का एक हिस्सा पोस्ट किया था जिसमें वो खुद को सिंघू बॉर्डर पर विरोध करने वाले स्थानीय बता रहे हैं। आज तक के इस वीडियो में कृष्ण और अमन दोनों को देखा जा सकता है। समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं पुलिस के अधिकारी अनाउंसमेंट बार बार कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पीछे हट जाएं, लेकिन यहाँ पर ये झंडे लिए हुए इतने सारे जो लोग आए हैं ये कह रहे हैं कि आसपास के पल्ला गांव के, अलीपुर गांव के, नरेला बवाना के 40 गांव के ये लोग हैं। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के टॉप फैक्ट चेक्स। ये सभी सरसरी तौर पर आपके सामने रखे गए थे। इन्हें डिटेल में जानने के लिए जाएं हमारी वेबसाइट altnews.in पर। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ हमारी लड़ाई में आप हमें इस तरह से भी मजबूत बना सकते हैं। ऑल्ट न्यूज बगैर किसी एड, बगैर स्पॉन्सर्स की मदद से चलता है। हमारा सपोर्ट आपकी आर्थिक मदद ही है। ऑल्ट न्यूज को डोनेट करें नीचे दिए इंस्टा मोजो के लिंक पर। हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए शुक्रिया। आपका भरोसा हमारी ताकत।